नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज एंटिटी में आप सबका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे स्नेक लवर भाइयों के लिए एक संदेश है। तो आज के दिन मेड़ता सिटी में एक मेरे दोस्त थे गजेंद्र जी व्यास, जो एक रेस्क्यूअर है और बहुत अच्छे रेस्क्यूअर है, वो फ्री हैंडलिंग करते हैं। तो आज उनको उन्होंने एक सांप रेस्क्यू किया था गांधी कॉलोनी से, और सांप को रेस्क्यू करके उन्होंने थैली के अंदर डाल लिया और उसने चूहा खा रखा था और उसने चूहे को वापस उगल दिया सांप ने। फिर गजेंद्र जी व्यास ने थैली चेंज करने के लिए जैसे ही वो उसको दूसरी थैली के अंदर डाल रहे थे तो कोबरा ने उनकी उंगली के ऊपर बाइट कर लिया और अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है। तो आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि गजेंद्र भाई जल्दी से स्वस्थ होकर लौटे हॉस्पिटल से, उनके लिए भगवान से दुआ करना। और जितने भी मेरे स्नेक लवर रेस्क्यूअर भाई है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्क्यू के अंदर फ्री हैंडलिंग ना करें और रेस्क्यू के अंदर लापरवाही ना करें। हमारा काम है सांपों को सुरक्षित पकड़ के और सुरक्षित स्थान पर ले जाके छोड़ना, इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों से इंसानों को बचाना। तो दोस्तों, एक दिन गजेंद्र भाई मेड़ता सिटी से मुझसे मिलने के लिए आए थे और उसी दिन एक रेस्क्यू कॉल आ गया था। तो आप देख सकते हैं उनके साथ मेरा एक वीडियो भी है साइड में, आप देख सकते हैं गजेंद्र भाई मेरे साथ है और हमने साथ में रेस्क्यू किया था। गजेंद्र भाई एक अच्छे रेस्क्यूअर है और उनको बाइट हो गई है और आज तक उनको ये 9वीं बाइट हो चुकी है और वो भी कोबरा की। वो एक बहुत खुश नसीब इंसान है जो 9 बाइट कोबरा की होने के बाद भी वो हमारे बीच में है। बाकी अगर किसी को एक बाइट भी हो जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गजेंद्र भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर लौटे और आप ही गजेंद्र भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और कोई मेरा भाई फ्री हैंडलिंग ना करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय।